This. नमस्कार दोस्तों, जो वीडियो क्लिप्स अभी आपने देखी ये रूस में 17 जनवरी 2021 से हो रहे देशव्यापी आंदोलन की हैं, जिसमें रूस की जनता व पुलिस सड़कों पर आमने सामने है। ये आंदोलन तब शुरू हुए जब रूस के एक युवा नेता एलेक्सी नवेलनी को 17 जनवरी 2021 को जर्मनी से लौटते ही रूस के मॉस्को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 2014 में एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ केस में सजा के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। 2 फरवरी को मॉस्को की एक कोर्ट ने उन्हें 3.5 साल की सज़ा सुनाई, जिसके बाद में रूस में प्रोटेस्ट और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूस में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूर्वोत्तर व साइबेरियन हिस्सों में बर्फ बरस रही है, तापमान -20 डिग्री से नीचे है, लेकिन लोग सड़कों पर उतरकर दंगा नियंत्रण पुलिस से दो दो हाथ कर रहे हैं। आंदोलन की व्यापकता इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्वोत्तर के सबसे ठंडे इलाके व्लादिवोस्तोक में लोग सड़कों पर जमा है। ये आंदोलन रूस के इतिहास में अनोखा है, क्योंकि लोग न सिर्फ पोस्टर्स और रैलीज में देखे जा सकते हैं, बल्कि उनमें एक रोष है, एक गुस्सा है। वे सरकार के खिलाफ हैं, वे पुलिस को पुश कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या ये आंदोलन एलेक्सी नवेलनी की गिरफ्तारी को लेकर सिर्फ हो रहे हैं, या फिर ये आंदोलन देश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हु इज एलेक्सी नवेलनी एंड व्हाई ही इज सेंटेंस्ड? तो एलेक्सी नवेलनी एक रूसी युवा नेता, एक एडवोकेट, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट और कैंपेनर हैं। ये युवाओं के बहुत चहेते वक्ता हैं। इनका जन्म 4 जून 1976 को ओब्निंस्क में हुआ था। इनकी पत्नी यूलिया नवेलनिया है और इनके 2 बेटे हैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद में एलेक्सी नवेलनी ने सबसे पहले सोशल लिबरल पार्टी याबलोको को सन 2000 में ज्वाइन किया, लेकिन आइडियोलॉजी में डिफरेंस के चलते 2007 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने 2013 में एक प्रो डेमोक्रेटिक और सोशल लिबरल पार्टी प्रोग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बाद में 2018 में इसी पार्टी के चार्टर में उन्होंने बदलाव किए और इस पार्टी का नाम उन्होंने रशिया ऑफ फ्यूचर रखा। पार्टी के लक्ष्यों में एंटी करप्शन, सिविक नेशनलिज्म, ई डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, प्रो यूरोपियनिज्म एंड टेक्नोक्रेसी जैसे विचार सम्मिलित हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धुर विरोधी होने के कारण इनकी पार्टी को अभी तक आधिकारिक राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पाया है, और इसी के कारण वहाँ की फेडरल असेंबली इलेक्शंस में भी इनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। रूस में व्लादिमीर पुतिन की पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूनाइटेड रशिया है, और यूनाइटेड रशिया को छोड़कर वहाँ की जो भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, जस्ट रशिया पार्टी हो, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर याबलोको, ये सभी बहुत ही कमज़ोर विपक्षी दल बनाते हैं वहाँ के, और इनमें एकता नहीं है, जिसका फ़ायदा पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया को संसद में कोई भी बिल पास कराने में होता है। बहुत ही फेमस जनरल द वॉल स्ट्रीट के अनुसार एलेक्सी नवेलनी इज़ द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर्स मोस्ट, अर्थात व्लादिमीर पुतिन जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डरता है वो एलेक्सी नवेलनी है। 2011 में ही एलेक्सी नवेलनी ने एंटी करप्शन फेडरेशन की स्थापना की, जो कि रूस में भ्रष्टाचार और अपराधों पर खोजबीन करता है। नवेलनी की पार्टी और एंटी करप्शन फाउंडेशन के ऑफिस पूरे रूस में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की पार्टी यूनाइटेड रशिया से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसर्स नवेलनी की पार्टी के हैं। नवेलनी की ज़्यादातर खोजबीन उनके यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित होती है। इसके साथ ही साथ उनकी एंटी करप्शन कैंपेन्स की जानकारी भी उनके सोशल अकाउंट ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को दी जाती है। उनके यूट्यूब चैनल पर 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके ट्विटर अकाउंट पर 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एलेक्सी नवेलनी सबसे ज़्यादा फेमस तब हुए जब उन्होंने 2011 में रूस के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में फ्रॉड होने की बात कही और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। सरकार ने उनके प्रोटेस्ट को फोर्सफुली दबाया और नवेलनी और उनके साथियों को जेल में डाल दिया। इसके बाद एलेक्सी नवेलनी के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए और इसके बाद में विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के रूप में वो सामने उभर कर आए। इवन BBC ने, जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, उसने भी डिस्क्राइब किया उनको कि
कि ही इज आर्गुएबली द ओनली मेजर अपोजिशन फिगर टू इमर्ज इन रशिया इन लास्ट 5 years. तो नवेलनी की जो विपक्ष के रूप में पहचान थी वो इस इंसिडेंट से सबसे ज़्यादा बनी. इसके बाद नवेलनी ने एक रेडियो इंटरव्यू में यूनाइटेड रशियन पार्टी को पार्टी ऑफ क्रुक्स एंड थीव्स कहा, अर्थात ठग और चोरों की पार्टी. अलेक्सी नवेलनी ने 2013 में मॉस्को के मेयर पद के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन पुतिन समर्थित कैंडिडेट से वो हार गए और वो सेकेंड आए, जिसके बाद अगेन उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराए और रूस की कोर्ट ने उन्हें 2013 में और 2014 में प्रोटेस्ट निकालने और फ्रॉड करने के जुल्म में सस्पेंडेड सेंटेंसेस सुनाई. सस्पेंडेड सेंटेंसेस मतलब उनको सजा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे, अर्थात वे प्रोटेस्ट नहीं निकालेंगे और सरकार के कामकाज में बाधा नहीं पहुंचाएंगे. अलेक्सी नवेलनी 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन रूस के सेंट्रल इलेक्टोरल कमीशन ने उनको 2018 में इलेक्शन से बैन कर दिया और यह बैन उन पर 2028 तक रहेगा आने वाले समय में. हालांकि इसके बाद यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स उनके सपोर्ट में आई और उसने कहा कि नवेलनी के ये राइट टू फेयर ट्रायल का उल्लंघन है. उसके बाद में यूरोप के कई सारे लीडर्स भी उनके सपोर्ट में आए. नवेलनी के एंटी करप्शन फाउंडेशन ने रूस के गवर्नमेंट और उसमें काम करने वाले मंत्री और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को 2013 से ही उजागर करना शुरू किया, जिसमें फाउंडेशन ने पाया कि रूस के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, आयरन, कार्बन, टिम्बर, स्टील, ये सब यूरोप और बाहर के देशों में स्थित कंपनियों को मार्केट रेट से बहुत सस्ते दामों पर बेचा जाता है. और यह आशंका है कि ये पुतिन और उसके सहयोगियों की शेल कंपनीज हैं, जहां उसके बाद में फिर माल को महंगे दामों में दूसरी कंपनीज को बेचा जाता है. कई बार इन नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर मार्केट से कई गुना ऊपर की कीमत पर शुगर और अनाज देश में खरीदा जाता है, जो कि एक काइंड ऑफ करप्शन शो करता है. एंटी करप्शन फाउंडेशन के अनुसार नेचुरल गैस और ऑयल निकालने के जो टेंडर्स बांटे जाते हैं वो भी पुतिन के द्वारा ही बांटे जाते हैं और ये उनके जो सहयोगी होते हैं उनको बांटे जाते हैं. देश की प्राकृतिक संपदा उन बंदरगाहों से देश के बाहर जाती है जिन पर रूस के बड़े बड़े गैंगस्टर का कब्जा है और वे पुतिन के साथी हैं, जिससे ये बात मीडिया में नहीं आ पाती है. एंटी करप्शन फाउंडेशन ने रूस में पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी ट्रांसनेफ्ट पर भी बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाए हुए हैं. अलेक्सी नवेलनी और उनके एंटी करप्शन फाउंडेशन के द्वारा यूट्यूब पर जो भी रिसर्चेस पब्लिश की गई उनमें सबसे फेमस दो मुख्य इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च हुई. इनमें पहली इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च थी डिमित्री मेडवेड, जो कि रूस के प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ की गई थी और इस रिसर्च का नाम उन्होंने दिया था ही इज नॉट डायमंड टू यू. इस वीडियो का यूट्यूब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. उसके बाद दूसरी इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो 17 जनवरी 2021 में जब वे गिरफ्तार हुए उसके बाद में उनकी टीम ने उनके यूट्यूब चैनल पर पब्लिश की और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ करप्शन को उजागर करती है. इस वीडियो का नाम उन्होंने पुतिन्स पैलेस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्राइब रखा. Твои главные друзья – это те, кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой. И самое главное – денег никогда не бывает слишком много. Подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? ये वीडियो सिर्फ रशियन लैंग्वेज में है और इसका सबटाइटल इंग्लिश में है. उसके बाद में भी इसको 2 सप्ताह के भीतर 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है. इस वीडियो में पुतिन के द्वारा बनाए जा रहे एक विशाल भव्य पैलेस के बारे में बताया गया है, जिसकी कीमत $1.2 बिलियन के आसपास आंकी जा रही है. इसका क्षेत्रफल एक कंट्री है मोनेको यूरोप में, जो कि छोटी सी कंट्री है, उससे 39 गुना ज़्यादा इस पूरे पैलेस का जो एरिया है वो बताया जा रहा है. ये ब्लैक सी के तट पर क्रेसेंडोर क्राई पर स्थित है, जो कि आप ये मैप में देख सकते हैं. अलेक्सी नवेलनी और उनकी टीम के द्वारा पब्लिश की गई वीडियो में यह बताया गया है कि इस पैलेस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है. यहां पर ना तो लैंड, ना एयर और ना ही वाटर के जरिए पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये एक नो फ्लाई जोन है और ज़मीन से यहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाकर रखी गई है. समुद्र तट पर उस क्षेत्र पर जाने की अनुमति नहीं है जहाँ पर यह पैलेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. जिस बीच पर इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर जो पेट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो तट से 3 किलोमीटर दूर घूमकर जाने के लिए बोलती हैं. अलेक्सी नवेलनी और उनकी टीम ने वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि उनकी टीम जब वहाँ की अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करती है, जो कि बीच के आसपास की हैं, तो उनको ये निर्देशित किया जाता है कि वो तट से 3 किलोमीटर दूर से होकर जाए. अलेक्सी नवेलनी और उनकी टीम ने वीडियो में दिखाया हुआ है कि इस पैलेस में 4 पैलेसेस हैं, जिसमें मेट्रो है, अंडरग्राउंड टनल्स हैं, हेलीपैड हैं, टेनिस गोल्फ कोर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम से लेकर
इटालियन फर्नीचर, गोल्डन कार्विंग्स, पेंटिंग, मार्बल्स, ग्रेप गार्डन्स, वाइन यार्ड्स और बहुत सारी लग्जरीज इस पैलेस के कंपाउंड में हैं। जब ये वीडियो सामने आया तो सरकार ने बताया कि यह एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का है और वो पुतिन के सिर्फ एक मित्र हैं। उसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा और लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे तो व्लादिमीर पुतिन को क्लैरिफिकेशन करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इसमें उन्होंने अलेक्सी नवेलनी को एक CIA एजेंट यानी कि एक अमेरिका का एजेंट बताया और यहां तक कि जो रूस की अथॉरिटीज़ हैं वो भी अलेक्सी नवेलनी को एक यूरोपियन एजेंट बताती हैं। अलेक्सी नवेलनी पर कई बार जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। 2017 में जब वे अपने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफिस से निकल रहे थे तो उस वक्त उन पर हमलावरों ने ग्रीन डाई डाल दी थी जिससे उनकी राइट आई अर्थात जो दाई आंख है उसकी देखने की क्षमता 90% खत्म हो गई थी। इसके बाद पुनः अगस्त 2020 में उन पर एक नर्व एजेंट नोवी चौक से हमला किया गया। नोवी चौक का निर्माण सोवियत यूनियन द्वारा 1970 में किया गया था। यह अटैक उन पर तब किया गया जब उनकी फ्लाइट टॉम्स से मॉस्को जा रही थी। प्लेन में उनके पेन और सीरियस कंडीशन को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जिसके बाद उन्हें जर्मनी में बर्लिन के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उनकी कंडीशन में सुधार हुआ। उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि ये नर्व एजेंट नोवी चौक है जिससे इन पर हमला किया गया है, जिसके बाद जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने भी रूस पर उनके नागरिकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। इन सब हमलों के बाद में भी अलेक्सी नवेलनी ने रूस पुनः वापस लौटने का फैसला किया और 17 जनवरी को मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचते ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 2 फरवरी 2021 को रूस की एक कोर्ट ने अलेक्सी नवेलनी को 2014 में सस्पेंडेड सेंटेंस के प्रोबेशन के नियमों को तोड़ने और विदेश जाने के आरोप में 3.5 साल की सजा सुनाई। नवेलनी ने कोर्ट से जाते वक्त अपनी पत्नी को एक इमोशनल गुडबाय में दिल का संकेत बनाया। अब पुतिन और सरकार को यह समझना चाहिए कि अगर अब कोई भी हमला अलेक्सी नवेलनी पर होता है और इसके बाद अगर उनकी जान चली जाती है तो ये आंदोलन अलेक्सी नवेलनी को एक शहीद मान लेगा और हो सकता है रूस में सिविल क्राइसिस हो जाए। अलेक्सी नवेलनी ने गिरफ्तार होने से पहले सितंबर 2021 में होने वाले ड्यूमा इलेक्शंस में स्मार्ट वोटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाने की वकालत की है देशवासियों से। स्मार्ट वोटिंग कॉन्सेप्ट में रूलिंग पार्टी को छोड़कर किसी भी पॉपुलर कैंडिडेट को जो बहुमत में दिख रहा हो उसको वोटिंग दी जाती है। रूस में 1/3 लोग अलेक्सी को बाहरी यूरोपियन अमेरिकन एजेंट और एंटी रशियन मानते हैं और 1/3 लोग जो ज़्यादातर युवा हैं वो नवेलनी को फॉलो करते हैं और 1/3 ऐसे हैं जो किसी भी पाले में खड़े नहीं दिखाई देते हैं। अलेक्सी नवेलनी ना सिर्फ एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हैं बल्कि उनके इरादे रूस के राष्ट्रपति बनने के भी हैं। यूरोपियन देश और अमेरिका पूरी तरीके से अलेक्सी नवेलनी का सपोर्ट करता है। इवन हाल ही में दिए गए बयान में US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूस को प्रो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बोला और आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस बल को इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताई है और अलेक्सी नवेलनी को छोड़ने की बात कही है। आप लोगों को पता है रूस का संविधान तो डेमोक्रेटिक सरकार की बात करता है लेकिन पुतिन ने 2020 के संविधान संशोधन के बाद खुद को 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर लिया है। ऐसे में रूस की इलेक्शन बॉडी, जुडिशरी और प्रेस तीनों राष्ट्रपति पद के सामने बौने साबित होते हैं। हालांकि सोशल मीडिया की क्षमता इन आंदोलनों से आंकी जा सकती है जो कि एक आंदोलनकारियों के लिए क्रांतिकारी माध्यम बना हुआ है। अब जिन लोगों को भारत में स्वतंत्रता की अव्यक्त खतरे में लगती है वे रूस, चीन और म्यांमार में वहां पर हो रहे आंदोलनों व उनके कुचलने की व्यवस्था को समीप से देखें। धन्यवाद।